So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is a Renu and it's a conjunction video. Conjunctions in Hindi समुच्चय बोधक and overview. So Hindi में जो conjunction होते हैं उनका क्या अर्थ होता है? युति, योग, जोड़. Okay, मतलब conjunction एक ऐसा शब्द होता है जो क्या होता है? दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ता है. इसलिए इसे क्या बोलते हैं? Connective या लिंकर संयोजन भी कहते हैं, लिंकर वर्ब्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ कंजक्शन. सो अ कंजक्शन इज अ वर्ड इन द इंग्लिश डेफिनेशन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, जो टू वर्ड से जॉइन कर, टू क्लॉजेज होते हैं इसमें और टू सेंटेंसेस भी होते हैं. हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्टिव और लिंकर कंजक्शंस. लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो इसके कुछ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं, वो जरा हम देखते हैं. सेंटेंस है आपका, समर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, समर इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. तो लुक एट हियर, हियर इज अ टू सेंटेंस, इज डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस. सो हियर वी हैव, हियर पुट फुल स्टॉप. ओके, सो समर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टॉप, समर इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. तो हम ऐसे बोल सकते हैं, समर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कॉमा एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. यहाँ पे हमने क्या किया है, समर का नेम नहीं लिखा है, उसकी जगह में हमने क्या कर दिया है, एंड को ऐड करके ही लिख दिया. ही समर की जगह में ही आ गया, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. तो इसको हिंदी में समझते, समर एक बुद्धिमान छात्र है, समर एक गोल्ड मेडलिस्ट है, समर एक बुद्धिमान छात्र है और वह एक स्वर्ण पदक विजेता है. तो स्वर्ण पदक विजेता मीन्स गोल्ड मेडल. ओके, गोल्ड मेडलिस्ट. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, करण इज अ गोल्ड मेडलिस्ट. करण क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है. एंड करण इज अनएम्प्लॉयड टुडे, अनएम्प्लॉयड टुडे. सो आपके अनएम्प्लॉयड मीन्स होता है बेरोजगार. एंड जो इसका अगर हम कंजक्शन बनाएंगे, हम बनाएंगे करण इज अ गोल्ड मेडलिस्ट कॉमा बट ही इज अनएम्प्लॉयड टुडे. ओके, बट लेकिन वह आज बेरोजगार है. बट सो करण वॉज वरिड, करण डिड नॉट शो इट, करण चिंतित था, करण इसे नहीं दर्शाया. करण वॉज वरिड येट, यहाँ पे कंजक्शन आया आपका येट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, इसको किसके वो है, करण जो है चिंतित था, करण वॉज वरिड हुआ. फिर करण डिड नॉट शो इट, करण इसे नहीं बताया, नहीं दर्शाया. तो यहाँ पे आया करण वॉज वरिड, करण क्या था, चिंतित था. येट फिर भी येट मीन्स फिर भी, ही डिड नॉट शो इट, फिर भी उसने नहीं दर्शाया. सो उपयुक्त उदाहरणों में हाईलाइट किए गए जो शब्द होते हैं एंड बट, ओके, एंड येट संयोजन शब्द होते हैं. सो द हाईलाइट वर्ड्स इन द अबव एग्जाम्पल एंड बट एंड येट आर कंजक्शन वर्ड. नाउ लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन के क्या टाइप्स होते हैं? सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन. टू टाइप के कंजक्शन होते हैं, कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं एंड सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं. लेकिन आप समझेंगे कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं. सो कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का उपयोग हम दो उसमें करते हैं, उनको स्वतंत्र वाक्यों को संयोजित करने के लिए जो अलग से पूर्ण अर्थ व्यक्त कर सकते हैं. सो कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस में कंबाइन होने के लिए होता है. दैट कैन एक्सप्रेस एब्सोल्यूट मीनिंग सेपरेटली. जैसे कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स आर जैसे होते हैं एंड हो गया, नाउ हो गया, बट हो गया, स्टिल हो गया, सो ओनली, देयरफॉर हो गया, फॉर, ओके, फॉर, हाउएवर हो गया, हैंस हो गया, आइदर हो गया और नाइदर हो गया. इसे इधर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं, आइदर और नीदर. सो नॉट, बोथ एंड वाइल देन. सो ये हैं आपके कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इन कॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस के. ही हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब, देयरफॉर ही हैज जॉइंड अ कोचिंग क्लास. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसने नौकरी के लिए क्या किया, आवेदन किया, इसलिए वह एक कोचिंग क्लास में शामिल हो गया है. सो नेक्स्ट इज आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे क्या किया, अनुरोध किया. बट ही डिड नॉट गिव हिज पेन, लेकिन उसने अपना पेन नहीं दिया, परंतु उसने अपना पेन नहीं दिया. सो परंतु के लिए भी बट होता है. एवरीवन हैज टेकन देयर डिनर, ओके, सभी ने अपना डिनर ले लिया, टेकन देयर डिनर, सभी ने अपना डिनर ले लिया, हैंस मैंने इसलिए, दे आर गोइंग टू स्लीप, इसलिए क्या है, वो सोने जा रहे हैं.
ही हैज आइदर परचेज अ शर्ट और अ ट्राउजर, उसने या तो शर्ट खरीदी है या फिर पैंट खरीदी है. सो आइदर, उसने या तो शर्ट खरीदी है या पैंट. ही हैज आइदर परचेज अ शर्ट और अ ट्राउजर. Do not talk on mobile while you are driving. Okay, do not talk on mobile. Mobile पर बात ना करें जबकि आप गाड़ी चला रहे हैं. He is hungry. यहाँ पे while आया जबकि के लिए. Okay, while you are driving. He is hungry, so he is crying. वह भूखा है इसलिए वह रो रहा है. So he is crying. इसलिए means so. Next conjunction is subordinating conjunctions. Okay, so subordinating conjunction शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं जो मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं, जैसे कि उन शब्दों के समूह से होता है जिनका वाक्य पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य वाक्य की जरूरत होती है जिसमें. ठीक है, सो सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन उन शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. जैसे subordinating conjunction joins subordinating clause with the main clause of the sentence. A subordinate clause is a combination of words which requires the main clause to complete the meaning and sentence. So subordinating conjunction are used to join the words or group of words which are dependent on each other. जो एक दूसरे पर depend होते हैं उन्हें subordinating conjunction कहते हैं. जैसे कि if, before, how, once, since, till, until, when, where, whether, while, after, although, because, how, provided that, as soon as, even if. So these are subordinating conjunctions. Okay, examples, let's take some examples. Please complete your homework before your papa comes. So tumhare papa ke aane se pehle अपना होमवर्क पूरा कर लो. ओके, सो प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर योर पापा कम्स. ही विल गो टू लंदन इफ़ ही गेट्स अ वीज़ा, वह लंदन जाएगा अगर उसे वीज़ा मिल जाए. ऑल्दो मीन्स यद्यपि उसने कड़ी पढ़ाई की. ही स्टडीड हार्ड. ओके, ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, पर वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका. सो ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम. सीन्स ही हैज़ क्रॉस द एज ऑफ 25 ईयर्स, ही कुड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, चूँकि वह 25 साल से बड़ा हो गया है. इसलिए वह नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सका. So there are different other types of conjunctions like correlative conjunction, so compound conjunction etc. So पहले अब पढ़ते हैं हम correlative. What is the meaning of correlative conjunction? So correlative जोड़ियों pairs में प्रयुक्त होने वाले संयोजनों को correlative conjunction कहा जाता है. जो conjunction होते हैं used in pairs, जो pairs में होते हैं are called correlative conjunction. जो किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं क्वालिटिव कंजक्शन. जैसे क्वालिटिव कंजक्शन वर्ड्स आर आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, दो, येट, वेदर और, एग्जांपल्स. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स अबाउट दिस क्वालिटिव कंजक्शन. सो प्रशांत विल आइदर गेट अ पे हाइक और प्रमोशन. प्रशांत को या तो वेतन वृद्धि मिलेगी या पदोन्नति. सो या तो विल आइदर. Neither she nor her friend knows how to drive a car. Neither का प्रयोग only negative sentence के लिए होगा. ना तो उसे और ना ही उसकी सहेली का पता है कि कार कैसे चलानी है. So neither she nor her friend knows how to drive a car. He not only studies in school. वह ना केवल स्कूल में पढ़ाई करता है बल्कि, but he not only studies in a school but also works in a clinic. वह ना तो स्कूल में पढ़ाई करता है बल्कि क्लिनिक में भी काम करता है. but also works in a clinic. I don't care whether I get visa or not. मुझे परवाह नहीं है कि मुझे वीज़ा मिलता है या नहीं. Though his financial conditions are not good yet. He is honest. ओके, हालांकि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी वह ईमानदार है. दो इज फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट गुड यैट, ही इज ऑनेस्ट.
आई एम बोथ अ डॉक्टर एंड अ सिंगर, मैं एक डॉक्टर और एक गायक दोनों हूँ. सो नेक्स्ट कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले संयोजन को यौगिक संयोजन कहा जाता है. सो कंजक्शन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड कंजक्शन. सो कंपाउंड कंजक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे इन ऑर्डर दैट, एज सून एज, इवन इफ, प्रोवाइडेड दैट, एज इफ. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस वर्ड. प्लीज इन्फॉर्म मी एज सून एज ही रीचेस, कृपया जैसे ही वे आए मुझे सूचित करें. सो प्लीज इन्फॉर्म मी एज सून एज ही रीचेस. ही विल नॉट एग्री टू मैरी हर इवन इफ दे ऑफर हिम अ बिग फ्लैट. वे अगर बड़ा फ्लैट देने का ऑफर करें तब भी वह उससे शादी के लिए तैयार नहीं होगा. सो ही विल नॉट एग्री टू मैरी हर इवन इफ दे ऑफर हिम अ बिग फ्लैट. सो नेक्स्ट, द मेयर वॉज टेकिंग एज इफ दिस सिटी वुड गेट बेटर ओवर नाइट. महापौर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि यह शहर रातों रात बेहतर हो जाएगा. सो द मेयर वॉज टॉकिंग एज इफ, जैसे, ओके, एज इफ दिस सिटी वुड गेट बेटर ओवर नाइट. So this is guys your conjunction video. If you like this video, please subscribe my channel and share also and like the press the button also and please share this video. Okay, thank you so much guys for watching my this video.